खेसारी जी के जितने फैंस हैं, मैं उन लोगों को सबके यही बोलूंगी कि उनका इतने ये जो मूवी है राजा की आई की बारात। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। ये देखिए एक नई हीरोइन मैं लेके आया हूँ और सोचिए कौन हो सकती है। चलिए मैं बताने से पहले मैं इनका नाम जान लेता हूँ। मैम आपका नाम क्या है। नमस्कार, मैं हूँ संजीवता रॉय और मैं कलकत्ता से हूँ। अच्छा, तो क्या कर रही हैं लखनऊ में मैम आप कलकत्ता से होकर के। लखनऊ में अभी मैं राजा की आई की बारात की शूटिंग कर रही हूँ और डायरेक्टर है लाल बाबू पंडित और प्रोड्यूसर है सुरिंदर सर, प्रकृति फिल्म की बैनर है और मेरे अपोजिट में खेसारी लाल यादव। वाह क्या बात है, खेसारी जी आपके साथ हैं। हाँ, कैसा लगा खेसारी जी के साथ काम करके। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाते हैं वो। हाँ सच में मैं बिल्कुल स्पीचलेस हूँ उनके बारे में बताने के लिए, क्योंकि वो इतने बड़े सुपरस्टार होने के बाद इतने हम्बल है कि मुझे उनके साथ काम करने को मौका मिला है। उसके बाद मैं मुझे सॉरी आज शूटिंग के चौथे दिन हो गया, कैसा लगा उनके साथ 4 दिन वर्क करके। इतना अच्छा लगा मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लगा बहुत। फिल्म में आपके साथ और कौन कौन से कलाकार हैं। हाँ मेरे साथ है और एक हीरोइन है सुरिक्षा झा, बहुत स्वीट की नेचर है, बहुत ब्यूटीफुल भी है। और है बीना पांडे जी, बिल्कुल मेरी दीदी जैसी है और बहुत अच्छा है। और है अमित शुक्ला सर, बहुत अच्छा है। अनूप अरोड़ा जी है और है संजय पांडे जी है। फिल्म भोजपुरी सिनेमा के बारे में आपने पहले क्या सुना था, अभी क्या आपको लगता है। भोजपुरी मूवीज तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, भोजपुरी जो गाना है बहुत मतलब एनर्जेटिक होते हैं। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ सबको, मैं बंगाली हूँ लेकिन हम सबके इंडिया में देखा जाए तो 31 जो दिसंबर होता है उसमें भी पिकनिक में भोजपुरी गाने बजते हैं और 1 जनवरी जो होता है शुरू के साल की जो शुरू का दिन है उसमें ही भोजपुरी बजाया जाता है हर एक पिकनिक में इंडिया की। तो हम भोजपुरी सब कोई छोड़ नहीं सकता। भोजपुरी बोलने में क्यों दिक्कत होती है आपको। दिक्कत तो होती है लेकिन मैं इस भाषा को बहुत प्यार करती हूँ, दिल से प्यार करती हूँ। तो आई होप भोजपुरी बोलने वाले जो जितने लोग हैं मुझे बस आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए ताकि मैं आपकी भाषा और भी अच्छे से सीख जाऊँ और बोल पाऊँ। कलकत्ता में कहाँ की रहने वाली है। मैं कलकत्ता में डलब की रहने वाली हूँ। और कितने भाई बहन है। मेरा दीदी है, मेरा दादा है और मैं ऐसे ही। अच्छा, अभिनय की पहली फिल्म कौन सी थी आपकी। मेरी पहली फिल्म है, भोजपुरी फिल्म है। मैंने बंगाली मूवीज कर रही थी, अभी वो रिलीज होने वाला है जोकर नाम का एक बंगाली मूवी और एक है चौड़ाई बेटी बारूमाशा। मतलब पहली फिल्म आपकी बंगाली थी। हाँ। और कोई टीवी शो या एड शूट्स। नहीं मैंने कोई टीवी शो नहीं। क्या ड्रीम क्या है, कहाँ तक पहुँचना है आपको। मेरा कोई ड्रीम नहीं है, मेरा ड्रीम यही है मैं और भी मेहनत करूँ और जो मैं डिजर्व करती हूँ बस वही मुझे मिल जाए, मेरा माँ खुश हो जाए बस। खेसारी लाल के फैंस को कुछ कहना चाहेंगे। खेसारी जी के जितने फैंस हैं मैं उन लोगों को सबके यही बोलूंगी कि उनका इतने ये जो मूवी है राजा की आई की बारात वो जब रिलीज होगा आप लोग थिएटर में जाके प्लीज़ देखिए। और हमें सब जो भी हम नए कलाकार आ रहे हैं सबको आप सपोर्ट कीजिए प्लीज़, और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और भी अच्छे से काम करूँ, मेहनत करूँ और आगे जब बढ़ूँ। फिल्म में खलनायक संजय पांडे जी भी नज़र आ रहे हैं, कैसा लगा उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे। बहुत अच्छे एक्टर हैं, मैंने उनको टीवी पे देखा है जितना भी, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि इन सब इतने बड़े बड़े कलाकार के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, बहुत अच्छे लग रहे हैं। जाते थे दर्शकों सूच कहेंगे अपने। दर्शकों मैं यही बोलूंगी बस मुझे प्यार दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। वैलेंटाइन डे आने वाले कुछ कहेंगे। वैलेंटाइंस, हाँ मेरे वैलेंटाइंस पहला वैलेंटाइंस यही है कि मेरे माँ है और एक्टिंग है बस।